अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बांग्लादेश के खिलाफ शानदार जीत के बाद पाकिस्तान टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए मजीद चांसेस बढ़ गए हैं। पाकिस्तान टीम अब पॉइंट्स टेबल पर पांचवें नंबर पर पहुंच चुकी है। तो पाकिस्तान टीम को ऐसा क्या करना होगा, न्यूजीलैंड के खिलाफ कितने रन रेट से जीतना होगा ताकि पाकिस्तान टीम कन्फर्म सेमीफाइनल में पहुँच सके। तो पाकिस्तान टीम की दोनों जीतें लाजमी हैं और पाकिस्तान को अभी कितने रन रेट से जीतना होगा तो पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच पाएगी, इसी वीडियो में आगे चलकर आप दोस्तों को मुकम्मल तफसील से बताएंगे। तो दोस्तों आपको बताते चले कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो मैच खेला जाना है वो इस वर्ल्ड कप का वाइड क्वार्टर फाइनल मैच समझ लें, क्योंकि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो मैच खेला जाना है उस मैच में जो भी टीम जीतेगी वो कन्फर्म सेमीफाइनल खेलेगी। और पाकिस्तान टीम को इंग्लैंड के खिलाफ भी अच्छे रन रेट से मैच जीतना ज़रूरी होगा, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान टीम का रन रेट अभी भी माइनस में चल रहा है। न्यूजीलैंड के खिलाफ शिकस्त अगर पाकिस्तान टीम के नाम हुई तो फिर पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो जाएगा। दूसरी जानब पाकिस्तान टीम ने अब श्रीलंका और अफगानिस्तान को पीछे छोड़ दिया है और पाकिस्तान का रन रेट पहले से बेहतर हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छा खेल का मुजाहरा करे और आज न्यूजीलैंड के खिलाफ साउथ अफ्रीका भी कामयाबी हासिल करे, ताकि न्यूजीलैंड की टीम भी 8 पॉइंट के ऊपर अभी तक टिकी रहे। तो उम्मीद करते हैं आज की ये छोटी सी वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें।